वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर खूब कमेंट भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो में चार कर्मचारी वन विभाग के दिखाई दे रहे हैं जो कि लटेरी में पदस्थ हैं। वीडियो में कर्मचारी एक ग्रामीण को रिश्वत के जाल में फंसाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद कर्मचारी बेखौफ होकर नोटों की गिनती करते दिख रहे हैं। अब ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की है जिसकी जाँच चल रही है। वहीं रेंजर बाबूलाल समर ने बताया कि इसकी जाँच की जाएगी। DFO SC गुप्ता का कहना है कि जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। थाने में आवेदन प्राप्त हुआ है, उक्त मामले की जाँच चल रही है। उधर आरोपी प्रदीप शर्मा नाकेदार का कहना है कि हमने चालानी कार्रवाई की और 540 फाइन लगाया था। इसकी रसीद हमने कार्यालय में लेने जाने को बोला था। मैं चितरंगी SDM माननीय SP मिश्रा जी हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या मामला था आज का। चूंकि हमारे तहसील के ग्राम खैड़ार में जी एक बच्चा है जिसका नाम तेज प्रताप है जी, इसके पिता है आदित्य कुशवाहा जी जी, 3 वर्ष का है जो बोरवेल में गिर गया था जी। प्रशासन को जानकारी मिलते ही मेरा राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारा तहसील में जो सामुदायिक केंद्र है डाक साहब जी, सभी लोगों की संयुक्त टीम ने वहां कार्रवाई की जी। बगल में उसके 2 JCB मशीन से हमने गड्ढा पैरेलल खुदवाया जी, खुलवाने से भगवान की कृपा थी कि बच्चा सकुशल हम बचा पाए। वो कितने फीट नीचे गिरा था? 30 फीट करीब था। और चूंकि वो थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये नदी उस पार की एरिया जो यहाँ पर मिट्टी बहुत सख्त होती है जी, जी जी, तो उसका भी फायदा मुझे मिला। मिट्टी ऐसा नहीं रही कि नीचे पानी है, पानी के चक्कर में कोई प्रॉब्लम है आई, इसलिए हम गड्ढा खोदने में सफल रहे जी। और तो नीचे से पैरेलल गड्ढा खोद नीचे से हम उनको निकाल रहे जी। मैंने बच्चा सुरक्षित निकाला, बच्चा सुरक्षित है अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे CSC में उसका इलाज चल रहा और पूरी तरह हंस खेल रहा है जी। जी भगवान की कृपा है कि हम बहुत कम समय में ही इसका रेस्क्यू करने में सफल रहे। चलिए धन्यवाद आपको कि आपने सही समय रहते हुए जो है तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के साथ आपने कार्रवाई की और सकुशल लड़का। हमारे बीच में हमारे BMO चितरंगी डॉक्टर भूपेन्द्र सिंह हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है बच्चे की स्थिति इस समय? बच्चे की स्थिति काफी अच्छी है, स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी जी। और रेस्क्यू दल ने काफी सहयोग किया जिससे कोई परेशानी नहीं हो पाई, उसको तुरंत निकाल लिया गया जी जी बोरवेल से जी जी, और बाकी स्वस्थ है। इसमें अभी देखो जानकारी तो आया है लेकिन क्या प्रकरण की सत्यता क्या है इसकी जांच के उपरांत ही क्लियर हो पाएगा कि